सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कैसे ऐड करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो दो फेज में ये वीडियो समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चार्ट ऐड करने के लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पे। ये रहा इंसर्ट टैब, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है चार्ट पे। ये रहा चार्ट, ठीक, चार्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए चार्ट का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत तरीके के चार्ट मिलेंगे। वन बाई वन आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से चार्ट हैं। डिपेंड्स कि आपको कौन सा चार्ट जो है वो ऐड करना है। मैं एक साधारण सा चार्ट ले लेता हूँ, कॉलम चार्ट। ठीक है, ये देखिए ये कॉलम चार्ट है, इस पर हमने क्लिक किया तो ये कॉलम चार्ट बन करके आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक वन बाई वन एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ से ओके पे क्लिक किया नीचे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो चार्ट देखिए ऐड हो गया। अब यहाँ दो चीज ध्यान देने की है, देखिए ये चार्ट है और ऊपर देखिए चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, मतलब जो डेटा बनाया गया है यहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर। ठीक है, नीचे भी देखिए चार कैटेगरीज दिख रही हैं आपको। अब यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से ही डेटा ओपन करना है तो आपको क्या करना है, चार्ट में कहीं भी बीच में कर्सर ले जा करके आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए एडिट डाटा का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो ऑप्शन देता है एडिट डाटा। एडिट डाटा जो पहला वाला है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो जो डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगा, और नीचे जो है एडिट डेटा इन एक्सेल, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो एक्सेल सीट में ओपन होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए पहले वाले पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए वापस से वही चार्ट, वही डेटा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो गया। ठीक है, अब इस चार्ट में आप यहाँ पर अपने हिसाब से कैटेगरी वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साइज वगैरह या इसको मतलब इसमें जो कलर वगैरह ये सब चेंज करना है, जो यहाँ पे जो पिलर्स बने हुए हैं, तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में ही देखिए फॉर्मेट डेटा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शंस ले सकते हैं, यहाँ से देखिए ये कलर बॉर्डर ये सब ले सकते हैं। ठीक है, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको समझनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर एक नया वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इस जो पिलर्स वगैरह हैं या अंदर की जो फॉर्मेटिंग है कलर वलर की, वो सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।